दस काम जिनसे रिस्क रोक दिया जाता है और दस काम जिनसे रिस्क में बरकत होती है। वो दस काम जिनकी वजह से हमारे रिस्क में बंदिश हो जाती है। नंबर एक, झूठ और बेईमानी। जब हम अपने कारोबार में माल बेचने की गरज से झूठ बोलकर सामान बेचते हैं और बेईमानी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रिस्क से बरकत ख़त्म कर देता है और रिस्क में तंगी फरमा देता है, और बेशक हम जो करते हैं उसका इल्म हमारे रब को है। नंबर दो, नमाज कज़ा करना या जानबूझकर और बिना किसी जायज़ परेशानी के जो शख्स अपनी नमाज को छोड़ता है या कज़ा करता है या तंग वक्त में पढ़ता है तो ऐसे शख्स पर भी रहमतों की बारिश रुक जाती है और उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है। इसलिए नमाज कायम करिए और अहकामात के साथ पढ़िए। नंबर तीन, नाशुक्री करना। जब कोई इंसान बात बात पर अल्लाह की दी हुई नेमतों पर नाशुक्री करता है तो गुनाहों का मुर्तकिब बन जाता है और उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क में तंगी फरमा देते हैं। नंबर चार, दूसरों पर जुल्म करना। जब कोई इंसान दूसरों पर जुल्म करता है, ख़ासकर अपने कारोबार में या फिर अपनी जाती रिश्तों में, तो उस सूरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स का रिस्क तंग कर देता है। इस्लाम अदल और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। नंबर पाँच, रिश्ते तोड़ना। इस्लाम रिश्तेदारियों को कायम रखने पर जोर देता है। ख़ानदानी ताल्लुकात को मुनक्किद करना या ख़ानदान में किसी से बसलूकी करना रिस्क की तंगी का बाइस बनता है। इस्लाम रिश्तों को निभाने पर जोर देता है। नंबर छः, हराम चीज़ों में मुब्तला रहना। जो इंसान हराम खाता हो या हराम कमाता हो, जैसे सूद, ब्याज, जुआ, तो ऐसे शख्स का रिस्क भी तंग हो जाता है। हराम गज़ा खाने से भी रिस्क की तंगी आती है। नंबर सात, ज़कात और सदका देने में कंजूसी करना। जो शख्स सदका और ज़कात देने से परहेज़ करता है उस शख्स में के रिस्क में तंगी हो जाती है। सदका और ज़कात गरीबों का हक होता है, लेकिन यह भी सच है कि ये तुम्हारे ही मफाद में होता है। इनको देने में गुरेज करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहोगे। नंबर आठ, नाजायज़ शिकायत करना। जो इंसान हर बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत करता है, ख़ास करके उसकी नवाजी हुई चीज़ों पर, तो उस शख्स पर से रहमतों का साया उठा लिया जाता है। ये अमल दिखाता है कि तुम्हारा यकीन अल्लाह ताला पर मुकम्मल नहीं है। नंबर नौ, सुस्ती या मुतमईन होना। जो शख्स हलाल रिस्क कमाने के लिए जद्दोजहद नहीं करता और सुस्ती में पड़ा रहता है और फिर दूसरों लोगों पर रिस्क के लिए भरोसा करता है तो ये अमल रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस्लाम सिखाता है नतीजे के लिए कोशिश करना और अल्लाह पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर दस, कंजूसी या मदद रोकना। जो इंसान बस माल जमा करता है, कंजूसी करता है और ज़रूरतमंदों की मदद से इनकार करता है तो ऐसे शख्स पर से सारी बरकतें हटा ली जाती हैं और उसके रिस्क में तंगी कर दी जाती है। दस वो काम जिनसे रिस्क में इजाफा हो जाता है। नंबर एक, अल्लाह ताला से डरना और उसकी अहकामात को याद रखना से रिस्क में इजाफे की वजह बनती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा उसको मैं वहाँ से रिस्क अता करूँगा जहाँ से उसकी तवक्को भी नहीं होगी। नंबर दो, जो इंसान दिन में पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसका रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है, ख़ास करके फजर की नमाज़। मर्द हजरत को चाहिए कि वो पाँचों नमाज बाजमात अदा करें, यह अपना रिस्क बढ़ाने के लिए बेहतरीन अमल है। नंबर तीन, जो इंसान शुक्र और सब्र का दामन थामे रहता है और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम नेमतों पर शुक्र अदा करते रहोगे तुम्हारे रिस्क मैं बढ़ाता रहूँगा। नंबर चार, जो शख्स अपने घर वालों से अच्छा सलूक रखता है और उनका खर्च उठाता है, अल्लाह ताला उस शख्स का रिस्क बढ़ा देते हैं। हमारे नबी का इरशाद है, जो अपने कारोबार में बरकत चाहता है और एक लंबी उम्र जीना चाहता है वो अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया करे। नंबर पाँच, जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सदका और ज़कात निकालता है उस शख्स के रिस्क में भी बरकत हो जाती है। हमारे प्यारे नबी का फरमान है, सदका और ज़कात तुमको होने वाले हादसों से महफूज रखता है और तुम्हारे रिस्क में बरकत होती है। नंबर छः, जो शख्स अपना काम करता है और अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कु रखता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी का फरमान है, अगर तुम अपने रब पर मुकम्मल तवक्कु रखोगे तो याद रखो जिस तरह एक चिड़िया सुबह निकलती है लेकिन वापसी में भरी होती है, उसकी तरह तुमको भी रिस्क से नवाजा जाएगा। लेकिन अपने रब पर यकीन रखना होगा और सब्र करना होगा।
नंबर 7, जो शख्स अपने कारोबार में हमेशा सच बोलता है और ईमानदारी बरतता है तो ऐसे शख्स के रिस्क को भी बढ़ा दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी का फरमान है, जो शख्स अपने कारोबार में हमेशा सच को तरजीह देता है और ईमानदारी से कारोबार करता है तो ऐसे शख्स का मर्तबा शहीद का होता है। नंबर 8, जो इंसान इस्तग़फ़ार की कसरत से वर्द करता है तो ऐसे शख्स के माल और दौलत में बरकत बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स हमेशा कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है और मेरी पनाह मांगता है तो ऐसे शख्स को मैं वहाँ से रिस्क अदा करता हूँ जहाँ से उसको तवक्को भी नहीं होती है। नंबर 9, सुबह सवेरे जल्दी निकलो और अपने रिस्क को तलाश करो। हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, या अल्लाह, जो शख्स सुबह सवेरे अपने हलाल रिस्क के लिए घर से जल्दी बाहर निकले ऐसे शख्स के कारोबार में बरकत अदा फरमा और उसके रिस्क को कुशादा फरमा। नंबर 10, लोगों की मदद करो, ख़ासकर जब वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाइयों की मुश्किल वक्त में मदद करता है तो अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा देता है। नंबर 1, खेल या किसी और वजह से अगर कोई अंदरूनी चोट लग गई हो तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा सा नमक मिलाकर लेप करें, 1 या 2 बार में ही आराम मिल जाएगा। ये नुस्खा ख़ासकर पुरानी और अंदरूनी चोट में बहुत मददगार है। नंबर 2, अगर वज़न बढ़ गया हो और पेट के चारों तरफ चर्बी हो गई हो तो सोने से कबल हल्दी, ज़ीरा और सौंफ को पीस कर एक चुटकी खा लिया करो। रोज़ ऐसा करने से जल्दी पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, जिस इंसान की नज़र कमज़ोर हो गई हो वो गुनगुने दूध में अलसी के बीज डाल के पिए, नज़र उल्लू से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। नंबर 4, जो शख्स अपने पड़ोसी को तंग करता है और उसका पड़ोसी उसे खुश नहीं है तो ऐसे शख्स दोज़की है, फिर चाहे तो वो अपना सारा दिन रोज़े और सारी रात नमाज़ पढ़कर गुजारे। नंबर 5, जो शख्स गुनगुने दूध में आंवले का मुरब्बा डालकर पीता है तो ऐसे शख्स की उम्र 5 साल तक बढ़ जाती है। ये जिस्म को ताकत देता है और मुर्दा सेल को ख़त्म करता है। नंबर 6, 15 आदत किशमिश को 1 कप पानी में रात को भिगो दो और सुबह निहार मुँह किशमिश चबाकर खा लो और पानी को पी जाओ। ये नुस्खा जो करता है उसका लीवर हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, पाचन मजबूत होगा और खून की कमी नहीं होगी। नंबर 7, पीपली का पानी पिया करो, ये पेट को सही रखता है, इसको पीने से हाजमा मजबूत रहता है। जिस शख्स को गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है उसके लिए पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 8, जो ख़वातीन अपने बालों को तेज़ी से बढ़ाना चाहती हैं वो नारियल के तेल में आंवले का चूर्ण मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज किया करें, उनके बाल दोगुनी तेज़ी से लंबे होंगे। नंबर 9, जिस इंसान को गठिया का दर्द होता है और उनके जोड़ों में दर्द रहता है तो लहसुन के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करें, कुछ ही दिनों में दर्द पूरी तरह गायब हो जाएगा। नंबर 10, जिस इंसान को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो रोज़ सुबह निहार मुँह ज़ीरे का पानी पिए और पीने के बाद 1/2 घंटा वॉक पर जाए, कब्ज़ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफज़ाई करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया।